नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी, एंटरटेनमेंट न्यूज लेकर आपके बीच हाजिर हूं। अक्षय कुमार को बॉलीवुड का खिलाड़ी कुमार भी कहा जाता है। एक्टर अपनी स्ट्रॉन्ग वर्क पॉलिसी और फिटनेस के लिए जाने जाते हैं। उन्हें न सिर्फ एक्शन, कॉमेडी और हॉरर फिल्मों की बल्कि सामाजिक मुद्दों को से जुड़े जो चीज़ें हैं उनको भी वो उठाते ही रहते हैं। सामाजिक मुद्दे से जुड़ी उन्होंने अब तक कई फिल्में की हैं, जैसे टॉयलेट फिल्म है, वो भी उनके द्वारा एक ऐसी फिल्म है जिससे समाज में एक मैसेज गया है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं वो कर चुके हैं। सबसे पहले तो अभी उनकी जो मूवी आई है OMG 2, ये भी कहीं ना कहीं समाज को एक आईना दिखाती हुई मूवी है। आपको बता दें कि इसमें दमदार कलेक्शन वो कर रही हैं और इस फिल्म में वो भगवान शिव के अवतार में नजर आ रही हैं। ये फिल्म सामाजिक विषय पर बेस्ड है। अक्षय कुमार शायद एकमात्र ऐसे एक्टर है जो समय समय पर सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड फिल्मों को लेकर आते हैं और इस फिल्मों को लोगों से अच्छे रिव्यू में मिलती हैं। इसी के साथ ही उनकी एक फिल्म आई थी रक्षाबंधन, अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर की ये फिल्म थी, और जिसने अच्छा रिस्पॉन्स तो बॉक्स ऑफिस पर नहीं किया था, लेकिन हाँ कमाई बजट से अधिक हुई थी। फिल्म दहेज प्रथा पर बेस्ड है और इस फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया था। तो ये रक्षाबंधन के मौके पर रिलीज़ की गई थी। इसी के साथ ही टॉयलेट एक प्रेम कथा, भूमि पेडनेकर और अक्षय कुमार की ये फिल्म भी शौच और सुरक्षा के मुद्दे पर बनी हुई थी, और इस फिल्म ने दिखाया कि गांव के घरों में लोग शौचालय क्यों नहीं बनवाते हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कलेक्शन भी किया था और इस फिल्म का लोगों के दिमाग पर कुछ इस तरह से असर हुआ कि देश के हर गाँव में अब शौचालय बनाने की पहल हुई है। और इसी के साथ ही पैडमैन मूवी भी वो लेकर आए थे, ये भी एक बेहतरीन फिल्म थी। ये अरुणाचलम मुरुगनाथम की लाइफ से इंस्पायर एक फिल्म थी, और इस फिल्म ने ऑडियंस को पीरियड्स वाली महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया था। इस फिल्म के रिलीज़ के बाद अक्षय कुमार की किस्मत चमक उठी। एक्टर भारत में सैनिटरी पैड के ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए थे। तो ये कुछ ऐसी मूवी हैं जो अक्षय ने की है, जो समाज को एक आईना दिखाती है, समाज को एक मैसेज दिखाती है। कुछ मूवी तो इसमें हिट साबित हुई थी, लेकिन कई मूवी ऐसी थी जो लोग समझ नहीं पाए, शायद उनके नाम से लोग देखने नहीं गए, लेकिन ज़रूर इस तरीके की सामाजिक मूवी बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि समाज में एक बेहतर जो है समाज को एक बेहतर माहौल मिल सके और कुछ चीज़ें सीखने को मिल सके कि हमारे देश में किस तरीके से समाज को बेहतर बनाने के लिए लोग काम कर रहे हैं।